नमस्कार साथियों, दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्जाम बहुत ही जल्द जो है आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले कई दिनों से हम लोगों को अपडेट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो अपडेट प्राप्त हो रहा है उसे देख करके अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मात्र 3 महीने के भीतर आपका जो है परीक्षा कराया जाएगा। दोस्तों सभी जिलों के डीएम से भर्ती बोर्ड ने ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। ये सूची क्यों मांगी है जरा ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। देखिए जब हमारी जब वैकेंसी जब रिलीज की गई थी उसके पहले ही एक इसी तरीके का विज्ञापन जो है कि एक इसी तरीके का नोटिस, सॉरी विज्ञापन नहीं नोटिस, एक वायरल हो रहा था सभी जिलों के कि भाई आपके जिलों में जितने भी परीक्षा केंद्र हैं ऑफलाइन जहां जहां पेपर कराए जा सकते हैं उनके जो है कि लिस्ट मांगे गए थे। और एक बार फिर से वही काम किया जा रहा है, यानी कि अब फिर से एक बार जो है परीक्षा केंद्रों की लिस्ट बनाई जाएगी। और इसी के मद्देनजर एक जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जो हमारी एग्जाम हुआ है उस समय आपने देखा होगा कि जो सेंटर थे मैक्सिमम बच्चों के, मतलब 85-87% बच्चों के जो सेंटर्स थे वो होम सेंटर्स मिला था उनको, ठीक है, या होम डिस्ट्रिक्ट में आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो आपके सेंटर बनेंगे बहुत कम चांस है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर प्राप्त हो, ठीक है। अब आपको जो है सटे हुए जनपद यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब भाई आप भूल जाओ कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेगा। अब जब भी सेंटर बनाया जाएगा तो आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, यानी अगर आप बनारस के रहने वाले हैं तो आपको सेंटर जौनपुर मिल सकता है, आपको भदोही मिल सकता है, आपको चंदौली मिल सकता है, आजमगढ़ मिल सकता है, जो उसके बाद आपका गाजीपुर मिल सकता है। इस तरीके से सेंटर अब बनाए जाएंगे भाई। तो अब जो है होम डिस्ट्रिक्ट जो है सेंटर शायद ही बने, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो सवाल उठे थे ना वो इसी बात पे उठे थे कि भाई मतलब इतने बड़े पेपर का आप आयोजन करा रहे हैं उसके बाद आप होम डिस्ट्रिक्ट दे दे रहे हो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना जो पेपर लीक कराते हैं उनके लिए। तो इस बात की सबसे अधिक आलोचना हुई थी, जितने भी टीचर्स थे ऑनलाइन टीचर्स या फिर ऑफलाइन टीचर्स उन्होंने इसी बात को सबसे ज्यादा उठाया कि ऑफलाइन जब आपकी परीक्षा है तो होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया जाना ये कहीं से भी जो है सही नहीं है। और अंततः देखिएगा आप जो बातें मैं कहता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं, मैंने जितनी बातें अभी तक करी है मैं सभी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम बातें सही हुई हैं, क्योंकि उसके पीछे के कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको जिनके बारे में जानकारी लेने के बाद जो है कि मैं आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। तो दोस्तों अब जो है कि आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं 3 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर जो है कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब देखिए क्या होगा कि कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, केवल परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार करने के बाद, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टेंडर हो सकता है कि उसी कंपनी को दिया जाए। बहुत कम चांस है कि टेंडर को जो है कि अदर कंपनी को दिया जाए, क्योंकि अगर टेंडर अदर कंपनी को दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर एक प्रश्न यहां पर उठता है कि अगर टेंडर जो टेंडर है अगर दूसरी कंपनी को दिया जाएगा तब समय लग सकता है, अगर उसी कंपनी ने टेंडर लिया परीक्षा कराने के लिए तो मान के चलिए कि समय जो है कम लगेगा और समय ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर दूसरी कंपनी ने अगर टेंडर लिया तब यहां पे समय जो है कि ज्यादा लग सकता है परीक्षा में। लेकिन इतना मान करके चलिए कि जून से जुलाई माह आपको मान करके चलना कि हमारा जो है पेपर हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है ना इस सरकार पे वो इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि भाई आप पेपर भी सही से नहीं करा पाए, और सरकार अपनी छवि को खराब नहीं होने देना चाहती, और सरकार जल्द से जल्द परीक्षा करा के और सफल आयोजन करा करके सभी जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको वो जवाब देना चाहती है जल्द से जल्द। क्योंकि देखिए परीक्षा जो लीक हुआ है ना, जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं 2-3 एग्जाम्स के, तो ये बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं उनके लिए। वो बार बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं। इन सभी जितने भी मुद्दे हैं इनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट चाहेगा कि जल्द से जल्द पेपर कराया जाए ताकि ये मुद्दे जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले मुझे शायद ये पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सॉरी, वो तैयारी में लग जाए और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अब दोबारा पेपर होगा तो दोबारा आपको फिर मतलब तीसरी बार आपको देने का चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। इस बार जब पेपर होगा ना बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि गड़बड़ी कहां थी वो चीज पता चल गया है और कौन करा रहा था। जितने लोग पकड़े गए हैं ये कोई नए लोग नहीं थे, ये पिछली भी भर्तियों में शामिल थे और इन्होंने पहले भी पेपर को लीक कराया था।
तो इन लोगों का तो पर्दाफाश हो ही गया, साथ ही साथ जो सिस्टम है कि कहां कहां से पेपर लीक हो सकता है वो भी पता चल गया। तो अब जब दोबारा पेपर होगा तो जरूर उस पर जो है अच्छे से तैयारी के साथ होगा कि भैया हाँ जब पेपर छप रहा है वहां भी अच्छे से आप जो है कि सिक्योरिटी बनाए रखें, साथ ही साथ जब पेपर छपने के बाद जब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जब आ रहा है दूसरे राज्य से जब अपने राज्य में आ रहा है तो वहां पे भी अच्छी तरीके की जो है सिक्योरिटी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे। और साथ ही साथ मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि देखिए मैं जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है खासतौर से जो आपका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स का सिलेक्शन किया है, उसी पॉइंट्स के अनुसार जो है कि मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा, एक एक टॉपिक में हमारा एक एक प्रश्न तैयार होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराऊंगा। अभी मैंने जीएसटी पे एक वीडियो बनाया था उसे आपने देखा होगा, उसी तरीके से हमारा नोटबंदी पे आएगा, उसी तरीके से हमारा राम मंदिर पे आएगा, उसी तरीके से चंद्रयान पर आएगा, चंद्रयान से भी एक प्रश्न आया था, लैंडर का नाम पूछा था, इसके अलावा जो है राम मंदिर से भी प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इस बार बहुत हद तक चांस है कि दोस्तों जो आपकी इलेक्शंस है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पेपर इलेक्शन के बाद होता है तो जरूर एक क्वेश्चन आपका इलेक्शन से संबंधित भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं उनको हम कवर कर रहे होंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, साइबर अपराध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, उसके बाद पुलिस प्रणाली से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने पेपर से पहले एक 20 प्रश्न का हमारा वीडियो था, 20 प्रश्न में से 3 प्रश्न मैंने फसाए जो है कि आपके पेपर में, तो उसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ा सकता हूं, एक बंदा अकेले आपके सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरा आपके साथ सहयोग हो सकता है उतना जो है मैं देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक बार फिर से तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि भाई देखो अगर खाकी वर्दी का सपना आपने देखा है तो उसे साकार करने के लिए मेहनत भी आप ही को करना है, ठीक है। कोई भी YouTube वाला मेहनत करेगा तो भाई उसे नहीं प्रॉफिट होने वाला, मेहनत आप ही को करना है और सारी चीजें आपके पास है, कंटेंट आपके पास है, केवल बस फर्क इतना है कि भाई आप पढ़ना चाहो तब बस ये चाहिए कि बस आप जो है तैयारी में लग जाइए दोबारा से और फिर से एक बार जो है अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करें, स्टार्टिंग से तैयारी करें, रिविजन करें, पहले आपने जो पढ़ा है उसी को रिविजन करें, उसके बाद नई चीजों को पढ़ना प्रारंभ करें, मॉक टेस्ट लगाए, वीक में कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो फिर से एक बार जो है अपने प्रारंभिक स्तर पर पहुंच जाएगा जहां पर आप जो है पेपर के दौरान छोड़े थे, क्योंकि अभी आपको तैयारी करना है उस जगह से वहां तक पहुंचने के लिए जहां आपने पेपर दिया था, ठीक है। अभी आपका लेवल थोड़ा सा घटा होगा तो अभी आपको फिर से एक बार रिविजन करके उस लेवल पर पहुंचना है, फिर उसके बाद ऊपर लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप मोटिवेट हुए होंगे और फिर से एक बार अपनी तैयारी को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।